सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को थर्मोकोल का शीट चाहिए और इस शीट का जो थिकनेस है वो है 10 mm। उसके बाद इस थर्मोकोल शीट पर आपको हाफ मार्क कर लेना है। देन आपके मार्क के अनुसार इसको कुछ इस प्रकार से कट करना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा 4 थर्मोकोल की शीट तैयार हो चुके हैं और एक शीट पर आपको कुछ इस तरह से ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, ऊपर 44 सेंटीमीटर और नीचे 12 सेंटीमीटर तो आपको कुछ इस तरह से आपको कट करना है। और इस जैसे 3 बनाने के लिए दूसरे थर्मोकोल शीट पर आपको इसे कट करना है। तो दोस्तों मैं जब तक इसको कट कर रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख सकते हैं हमारे 4 के 4 थर्मोकोल शीट तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को जरूरत होगी एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की। कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के ऊपर आपको एक थर्मोकोल शीट रखना है और उसके ऊपर दोस्तों आपको ग्लू अप्लाई करना है। और ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको चिपका देना है और बाकी के जो साइड पेपर हैं कुछ इस तरह से हम कट कर रहे हैं। आप लोगों को इसी प्रकार से और 3 बना लेना है। तो फॉइल पेपर रेडी होने के बाद आपको 2 थर्मोकोल शीट आसपास रखकर एक दूसरे के साथ आपको सेलो टेप की मदद से कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। और दोस्तों इसे बॉक्स और 3D शेप देने के लिए स्टार्ट पॉइंट के साथ एंड पॉइंट पर आपको कुछ इस प्रकार से सेलो टेप की मदद से चिपका देना है। तो इस बॉक्स को आपको और हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस शॉर्ट बॉक्स का मेन चीज यानी कि लाइट्स लेना है और लाइट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर दोनों सर्कल यहाँ पर करना है। अब लाइट्स को दोनों होल्स पर आपको फिट कर देना है और इसे और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर आपको ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेटर परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों इसे बॉक्स शेप देने के लिए हम यहाँ पर चारों ओर से कार्डबोर्ड लगा रहे हैं। उसके बाद आपको जरूरत होगी 2 होल्डर्स की और इन होल्डर्स की मदद से हम ब्लिट्स लाइट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे।
और ये जो होल्डर्स के वायर है ये आपस में आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक और आपको थर्मोकोल का शीट लेना है, यह हम बैक साइड पर लगाएंगे। आपको जरूरत होगी एक एसी केबल की। इस थर्मोकोल शीट पर आपको एक होल बनाकर एसी केबल को आपको दूसरे ओर ले आना है। अब हम इसे कनेक्ट करने के लिए होल्डर के वायर और एसी केबल के वायर को एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और इस बॉक्स को कुछ इस तरह से सॉफ्ट बॉक्स के साथ आपको चिपका देना है। इसके बाद हम सॉफ्ट बॉक्स को कलर करने के लिए फैब्रिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। और गाइस यहाँ पर हम फ्लैट ब्रश ले रहे हैं इसको कलर करने के लिए। दोस्तों आप कलर भी कर सकते हैं या फिर आर्ट पेपर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको ट्रेसिंग पेपर लेना है जो कि हमारे लाइट को और भी ज्यादा डिफ्यूज करेगा, यानी कि शैडो नहीं पड़ने देगा। तो ये हमें ले आना है बुकशॉप से। दोस्तों इस सॉफ्ट बॉक्स को ट्रेसिंग पेपर के ऊपर रखना है और इसके जरूरत के हिसाब से इसको कट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर कट हो चुका है, यहाँ पर हम ग्लू लगा के इसको फिट कर दे रहे हैं। तो इस सॉफ्ट बॉक्स को ट्राइपॉड के साथ फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम ट्राइपॉड माउंट यूज कर रहे हैं। दोस्तों लाइट बॉक्स के एक हिस्से में होल बनाकर ट्राइपॉड माउंट को कुछ इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। दोस्तों हमारा सॉफ्ट बॉक्स बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका लाइट का कितना ज्यादा पावर है। दोस्तों इसे ट्राइपॉड के साथ माउंट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हम एक लाइट स्टैंड लेंगे और कुछ इस तरह से आपको इसको फिट करना है और उसके बाद जो ट्राइपॉड माउंट है उसके साथ इसको आपको घुमा देना है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये फिट हो जाता है। जो फुटेज है ये है बिना सॉफ्ट बॉक्स के, आप ही देख सकते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। और ये जो फुटेज है ये है सॉफ्ट बॉक्स का, तो देख सकते हो दोस्तों दोनों में डिफरेंस कितना है। इस सॉफ्ट बॉक्स ने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया और आप भी अपना काम आसान कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो।